माने क्रोध भी थोड़ा कर लेते थे कभी कभी, जो मन से काम नहीं होता था सर, हमको बहुत खराब लगते थे, काम ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं। हमको बहुत ही लगता था कि कोई भी आदमी यहाँ आता है बहुत कष्ट से, बहुत तकलीफ से आता है हमारे पास। हॉस्पिटल है माने हम लोग सेवा दल है, सेवा करने के लिए हमको रखा गया है। तो ये मन भाव होना चाहिए इंसान को कि हमको सेवा से उसको काम करना है, आदमी को उद्भूत करना है। ये जब तक आपके अंदर में ये लगन नहीं आएगा तो आप कोई काम नहीं सीख सकते। श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। जब तक ये श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर में नहीं आएगा, तब तक कोई भी हासिल नहीं कर सकते। मैं जीवन में अपनी घटना बताता हूँ, ये तो छोड़ दीजिए, नौकरी तो खैर मेरे परम पिता के दया था, और हमारी जो माँ थी यहाँ जो काम करती थी आया के, वो मेरा सौभाग्य था, एक माने प्रभु का जो दया बोलते हैं। प्लास्टिक बहुत कष्ट किया मैं जीवन में, इतना ही शायद कोई यहाँ इतना कोई कष्ट किया हो। मेरा सोने का घर नहीं था, कपड़ा पहनने का मैंने मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज देखिए मैं आपके सामने, मालिक का दया है, बोला करने से ही सब कुछ होता है। कर हम लोग भगवान के पास अगरबत्ती दूध देख लाते हैं, कृपा करना, कृपा अर्थात होता है करके पाना। मैं जब तक नहीं करूंगा कुछ भी हमको प्राप्त नहीं होगा, घर बैठे कुछ आने वाला भी नहीं है ना कुछ जाने वाला। आपको करना होगा तो करना है, इसीलिए श्रद्धा और शबूरी ये दो चीज हमको अंदर में इसको करना होगा। पहले काम इंसान तो हर चीज हासिल कर सकता है, लेकिन आदमी की जो विश्वास, जो आदमी का मन को जीतना, ये भी एक बहुत बड़ा कला है सर। तो यहाँ आज इतने डॉक्टर लोग के साथ किए काम किए, बहुत आनंद लगा, बहुत माने भी। डॉक्टर अली साहब यहाँ थे, ऑर्थोपेडिक का इंचार्ज थे, डॉक्टर एकमर साहब थे, उसके आगे डॉक्टर सहाय साहब थे, उन लोग के साथ काम किए। फिर प्राइवेट डॉक्टर भी संजय चौधरी, कैलाश प्रसाद, डीपी भूषण, प्रकाश सिंह, मंजी सिंह, सारे सिस्टम के साथ हम काम किए सर यहाँ, और सभी ने बहुत सराहा है, सभी अच्छा बोला कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा ही काम करते हैं। और ये हालांकि उन लोग भी ऑफर हमको दिए है कि रंगर जब तुम रिटायर करोगे हमारे पास आना, तो मैं अभी ऑफर कोई सेटल अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं, मन भाव ऐसा बनाए नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रभु का काम करें, भजन कीर्तन करें। अभी मेरा सिर्फ ऑनलाइन ही सारा सिस्टम चल रहा है सर। अभी हम देखिए दिल्ली में गाना गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बॉम्बे गा रहे हैं, उसके बाद आप चले आइए उड़ीसा, चले आइए पूना, चले आइए उसके बाद आपका नेपाल, बीरगंज नेपाल में भजन कर रहे हैं। मैंने ऐसा हमारा मैंने ऐसा आदमी के साथ मेरा लगाव हो गया, इसलिए हमारे ठाकुर बोले हैं कि रुपया पराया आदमी अपना, जितना हो सके आदमी को पकड़ना। तो आदमी से पकड़ने से ही मेरा रुपया मिलता है। ये जब तक आपके अंदर ना आएगा, देखिए धन दौलत कमाना, घर बिल्डिंग बना लेना, ये सबसे बड़ा चीज नहीं होता। सबसे बड़ा चीज होता है कि आदमी बनना, आदमी बनना। वो आदमी कैसे बनेगा, वो आपका कर्म से बनेगा। आपका कर्म अगर नहीं सही रहेगा तो आप कितना कुछ कर लीजिएगा कुछ नहीं, इसी कर्म ही पूजा है। तो हम लोग की आदर्श में चलते हैं और ज्यादा भाषण नहीं देखे, अपना यही अपना वक्ता प्रोसेस करेंगे। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा, मुझे जब भी दरकार पड़ेगा आप लोग को किसी चीज का भी हो तो मैं 24 घंटे हाजिर रहूंगा। आज से ऐसे हमारे मंदिर में डिप्टी में हमको वहां से फोन आया, आई एस एम आई टी एम प्रोफेसर है हमारे शरद कुमार पांडा भी है, और वो भी प्रोफेसर है, मैं माइनिंग का प्रोफेसर है आपका आर आर दास, रेशमी रंजन दास आई आई का बहुत बड़ा खड़गपुर के वो स्टूडेंट थे। वो बोला सवेरे फोन किया, राजेंद्र तुम जो है बहुत सुंदर तुम रहोगे, अब तुम ठाकुर का काम करो, मंदिर का तुम दायित्व लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में क्वालिटी है जो प्रभु को तुम खुश कर सकते हो। तो ये चीज कहां मिलेगा, ये कहां मिले, नहीं मिल सकता। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। हमारे फादर जो है गॉड है, मैं उसकी संतान हूं, उस संतान को उनको भी बहुत इच्छा होता है कि मेरा संतान मेरे लिए क्या किया इस धरती में आके,
अपने लिए तो सब कुछ किया, पलंग लिया, गाड़ी लिया, बंगला बनाया, सब कुछ लिया, 10 चक्का गाड़ी लिया, 4 चक्का गाड़ी, मेरे लिए रहने के लिए क्या, एक कुट्टी में टांगने के लिए हम सिर्फ उठे? मैं आप लोग को परिवार के साथ में रहना चाहता हूं, जिस तरह तुम सोते हो पलंग में, गद्दा में, एसी में, उस तरह से मुझे भी इच्छा होता है कि मैं इस संतान को इस धरती में भेजे हैं तो मैं इस संतान हमारे लिए क्या करता है, यह श्रद्धा होना चाहिए। बस मैं अपना वक्तव्य यही शेष करता हूं। जय गुरु, नमस्ते, प्रणाम। बहुत ही अच्छा।